हेलो दोस्तों, मैनुअल स्केलिंग की अपार सफलता के बाद तो हम जाते हैं कस्टम ऑटो स्केल पे। तो कस्टम में क्या है कि ये अपने आप से जैसे ही लोड हमारा इंक्रीज होगा तो ये आपको नई मशीन बना के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑटो स्केल ने नाम अपना खुद ले लिया है, रिसोर्स ग्रुप ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए डिलीट वार्निंग, द वेरी लास्ट और डिफॉल्ट रिकरेंस रूल कैन नॉट बी डिलीटेड, इंस्टेड यू कैन डिसेबल ऑटो स्केल टू टर्न ऑफ द ऑटो स्केल। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे देखिए स्केल बेस्ड एज अ मैट्रिक और स्केल टू ए स्पेसिफिक इंस्टेंस काउंट, तो हम मैट्रिक पे करते हैं। अब नो मैट्रिक रूल डिफाइन एड ए रूल, तो हम यहाँ पे एक रूल जो है ऐड कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। तो देखिए मैट्रिक जो है टेस्ट स्केल आ गया, रिसोर्सेस टाइप अपने आप डिसेबल, ये हाईलाइट नहीं हुए, क्रिटेरिया जो है एवरेज है, राइट। मैट्रिक नेम स्पेस यहाँ पे आप चेंज कर नहीं कर सकते, सिर्फ एक है। और यहाँ पे मैट्रिक नेम आप चेंज कर सकते हैं, आप जो चीज़ यहाँ पे चाहते हैं। तो परसेंटेज है यूपीएस की है, सीपीयू की है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कितनी परसेंटेज ये दिखा रहा है। ये एवरेज आ रही है, यहाँ पे ग्रेटर देन अगर 70 हो गया तो ड्यूरेशन 10 मिनट्स है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, हमें 1 ही मिनट चाहिए। और 70 की जगह मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ क्योंकि मुझे टेस्टिंग करनी है, तो हमारा तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन हमें तो इंस्टेंट करके देखने की ऑटो स्केल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे टाइम जो है टाइम ग्रेन स्टैटिक दैट वुड बी एवरेज, और देखें यहाँ पे कूल डाउन टाइम इट इज़ 5। अमाउंट ऑफ द टाइम टू वेट आफ्टर स्केल ऑपरेशन बिफोर स्केलिंग अगेन, फॉर एग्जाम्पल इफ कूल डाउन इज 10 मिनट एंड स्केल ऑपरेशन जस्ट ओके, ऑटो स्केल विल नॉट अटेम्प्ट द स्केल अगेन अंटिल 10 मिनट्स, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ये ऑपरेशन है, जो स्केलिंग हो रहा है, तो आपने जैसे ही वहाँ पे एक इंस्टेंस ऐड हुआ और उसके बाद फिर भी वो 40 पे जा रहा है, तो वो वहाँ पे 5 मिनट का डाउन टाइम मिलेगा या 5 मिनट वेट करेगा, उसके बाद ही वो इंस्टेंट क्रिएट करेगा। और यहाँ पे हम एक इंस्टेंस जो है ऐड कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ हम करते हैं और इसको हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एवरेज परसेंटेज भी दे रहा है कि आपकी अभी क्या चल रही है, तो इसलिए मैं और भी कम कर देता हूँ ताकि हमारा पर्पज़ जो है सोल्व हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ ऐड, ये हमारा रूल यहाँ पे क्रिएट हो गया। और इंस्टेंस लिमिट जो है मिनिमम मैं एक ही करूँगा यहाँ पे, ठीक है, और ये भी हमारी 1 रहेगी और इसको भी 1। ठीक, तो ये देखिए ये हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और हमारी कंडीशन जो है हमें बनानी होती है, जहाँ पे हम बताएंगे कि अगर वो ऐड हो गया तो उसको हटाना भी कैसे है, राइट। तो ऐड स्केल कंडीशन है, तो इसको मैं यहाँ पे आप देखिए ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हैं लगाने की और उसकी। और एक सेकेंड मैं यहाँ पे एक बार रूल देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए मैं इसको ओके, ठीक है। तो अब हमने क्या किया था कि हमने इंक्रीज किया था लास्ट वाली में, और हम यहाँ पे क्या करेंगे डिक्रीज करते हैं, करेक्ट। तो ग्रेटर देन हो गया और इसको मैं कर देता हूँ और 20 इसको भी यहाँ पे, और ड्यूरेशन 10 मिनट्स की बजाय हम इसको 1 मिनट कर देते हैं। ठीक है, ये स्पाइक दैट लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड स्केलिंग एक्शन, तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मेरे को चलो 4 मिनट लगा देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि ग्रेटर देन 20 नहीं करना है, मुझे यहाँ पे करना है लोअर देन, है ना, इक्वल टू 10%। ठीक है, इक्वल टू 10% रहे 4 मिनट के लिए, क्योंकि एवरेज हमारा 1.3 आ रहा है, और इसके बाद जो है डिक्रीज काउंट बाई 1, है ना, 5 मिनट बाई कूल कूल रहेगा और ये हमारा काम हो जाएगा, इंस्टेंस हमारा एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं ऐड। तो हमने ये दो पॉलिसी बना ली है यहाँ पे,
आप देख सकते हैं कि स्केल मोड मैट्रिक्स के बेस पे है। अगर हमारा परसेंटेज जो है इंक्रीज होगा तो हमारा एक इंस्टेंस जो है ऐड हो जाएगा, और अगर हमारा जो इंस्टेंस है वो अगर कम होता है, आई मीन वो जब इंस्टेंस ऐड होने के बाद वो वापसी से कम होता है, तो हम वहाँ पे अपना इंस्टेंस जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यह मिनिमम 1 है और इसको भी मैं 1 कर देता हूँ। चलो ठीक है, मैक्सिमम देखते हैं और इसको कर देते हैं अपन ऐड, सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने इंस्टांस पे और वहाँ पे थोड़ा सा लोड बढ़ा के देखते हैं। देखिए ये अभी परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ले लेते हैं MSTSC 7 पे ले लेते हैं, किसी पे भी आप ले लीजिए, और लोड इंक्रीज करके देखते हैं। हम इसको सेव कर देते हैं। राइट, पॉलिसी हमारी अब कस्टम हमने लगा दी है ऑटो स्केल वाली, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल से हटा के हमने ये वाली लगा दी है। ओके, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये हमने जब सेव कर दिया तो ये इसने ले ली है, और उसके बाद हम अपना चाहते हैं हमारे सर्वर में। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई? डिक्रीज कर दिया क्या उसने? यस, वो डिक्रीज हो गया है, क्योंकि जैसे ही वो पॉलिसी लगी है हमारी, देखते हैं यहाँ पे हम। चलो कोई बात नहीं, लोड बढ़ाते हैं फिर देखते हैं। ये हमारे सर्वर का टास्क मैनेजर है। मेमोरी जो है CPU हमारा सिर्फ इतना जा रहा है, तो लेट मी इंस्टॉल समथिंग ऑन इट और इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे AD इंस्टॉलेशन लगा देते हैं, ट्राइंग कि स्पाइक करता है कि नहीं करता है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। सो लेट्स चेक। देखिए CPU लोड हमारा जा रहा है, एंड लेट्स सी हमारी पॉलिसी काम करती है, क्योंकि वो हमारा 1 मिनट रहना चाहिए। मैंने 20% लगाया हुआ है, तो 20% में हमारा अगर 1 मिनट रहता है तो उससे ऊपर रहता है तो हमारा इंस्टेंस जो है क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमने एक ही CPU लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो इसलिए उसका जो लोड जा रहा है वो काफ़ी हाई जा रहा है, और ये हमें 1 मिनट एटलीस्ट हमारा रहना चाहिए, वरना मुझे कुछ और लगाना पड़ेगा, जो भी स्क्रिप्ट वगैरह रहती हैं, कुछ एप्लीकेशंस रहती हैं। तो वी आर जस्ट डूइंग नॉर्मल थिंग्स, क्योंकि हमारे पास अभी लोड नहीं है। तो ये देखिए सक्सेसफुल हो गया है, और इसके साथ ही डायरेक्ट इस पर चले जाते हैं ताकि
पर लोड कंटिन्यू रहे एंड देखते हैं मूवमेंट हुई कि नहीं हुई। ये भी 100% पे ही जा रहा है, दैट इज़ टोटली गुड फॉर अस। डोमेन नेम यहाँ पे कुछ भी चलेगा, .in easy tag next .in मैं अब देखता हूँ यहाँ पे कि हमारी मशीन जो है क्रिएट हुई कि नहीं हुई। तो मुझे लग रहा है मेरे को मैनुअली करना पड़ेगा, तो एक मिनट। ओके गाइस, तो हमने लगा लिए मैनुअल स्क्रिप्ट और ये चला गया हमारा 100% यूटिलाइजेशन। इसको कर देते हैं मिनिमाइज और फिर देखते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे स्केलिंग पे जाते हैं, तो इस हिसाब से जो है देखिए यहाँ पे एवरेजन जो भी है और परसेंटेज सीपीयू ग्रेटर देन 20 फॉर 1 मिनट, तो यहाँ पे हो गया इंक्रीज काउंट बाय 1 इंस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं इसको और लेट्स वेट। अभी 0028 हो गया है, लेट्स वेट। सीपी यूटिलाइजेशन जो है शो चल रहा है कंप्लीट, तो होपफुली दिस विल हेल्प अस जो हमारी टेस्टिंग है। लेट मी पॉज द वीडियो गाइज। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज था, हमने यहाँ पे ना 1 रह गई थी हमारी इंस्टेंस काउंट जो था ना वो, यहाँ पे हमने मिनिमम देखिए यहाँ पे इंस्टेंस लिमिट थी, तो मिनिमम यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, तो वो काम नहीं कर रही थी। जब मैंने यहाँ पे मैक्सिमम किया तो इसने वर्क स्टार्ट किया है एंड यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी स्केलिंग जो है स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे इंस्टेंस हमारा ऐड हो जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट। तो हम जैसे ही उसको लूप अपना बंद करेंगे तो फिर हम उसके बाद देखेंगे कि ये रिमूव होता है यहाँ से कि नहीं रिमूव होता है। तो ये चल रहा है मेरा, क्लोज करता हूँ एंड ये फुलफिल है और प्रोसेस पे जाते हैं एंड ये प्रोसेस है हमारी जिसे हमें बंद करना है। सो नॉट एन इश्यू, हमारा जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो रहा है, तो इसमें कोई मैनुअल वर्क नहीं लगा, तो ये बाय डिफॉल्ट है हो जाएगा और इसके बाद हम जो है इसको स्केल आउट भी करवा देंगे। करेक्ट, तो यही फंडा है, यही तरीका है कि आप अपने ऑटो स्केलिंग यूज़ कर सकते हैं अपने स्किल सेट के अंदर, जहाँ पे टोटली ऑटोमेट हो जाता है प्रोग्राम और आप अपनी लिमिट जो है सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी लिमिट चाहिए और किस तरीके से आपको अपनी स्केल आउट कराना है और स्केल इन कराना है। राइट, तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन होती है और भी हम चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो कि हम फ्यूचर में सीखते रहेंगे और इस तरीके से हमारा जो है काम हम करेंगे और सीखेंगे। तो मैं देख रहा हूँ एक बार कि अगर बन गया हो तो मैं
चेंज करके देख लेते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं, तो ये भी कर देता हूँ मैं, ताकि वीडियो जो है पॉज कर देता हूँ, इसको यहाँ पे स्टॉप एंड टास्क कर देते हैं, एंड उसके बाद जो है सीपीयू लोड जो है रिलीज़ हो जाएगा। यस ठीक है, तो ये बिल्कुल रिलीज़ हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ एंड मैं वीडियो पॉज करता हूँ, फिर देखता हूँ कि यहाँ पे इंस्टेंस जो हमने क्रिएट किए हैं वो हटते हैं, क्या होता है इनका, तो मैं आपको बताता हूँ। टाइम देखें यहाँ पे 16 हो रहे हैं, तो मैं वेट करके थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। फिर ये देखिए हमारी तीनों मशीन यहाँ पे हेल्दी सेटअप हो चुकी हैं, और स्केलिंग के अंदर हमने 3 मैक्सिमम लगाए हुए हैं, तो यही तरीका है। यहाँ पे मैक्सिमम अगर हम 2 कर देते हैं तो वो भी अप्लाई हमारा हो जाएगा, राइट। तो इसको हम सेव कर देते हैं, तो जैसे मर्जी आप चाहें अपने एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं, काम ऐसे ही होना है और इसी तरीके से करना है, तो अच्छी लर्निंग तभी होती है जब आप अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से सीखेंगे और अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आप काम करेंगे। देखिए हमने जैसे ही अपडेट किया तो ये हमारी डिलीटिंग जो है स्टार्ट हो गई है, और हमारा जो है स्केल यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, और हमारे पास 2 ही हमारी इंस्टांसेस बचेंगी। तो यही हमने सीखना था इस वीडियो में कि ऑटो स्केल हमें कैसे लगाना है। जितनी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, जितना आप अपने हाथ से करोगे, उतनी ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग इन दिस सीरीज। हैव अ गुड डे।